हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके घर में भी सभी की अलग अलग पराठे खाने की फरमाइश होती है? तो मेरे इस तरीके से एक ही पराठे में तीनों चीजों को स्टफ करके पराठे बना सकते हैं और सभी की फरमाइश भी पूरा हो जाएगी और आपकी मेहनत भी कम लगेगी। तो चलिए सबसे पहले पराठे के लिए डो लगा के रेडी कर लेती हूँ। इस पराठे के लिए मैं गेहूं का आटा इस्तेमाल की हूँ, साथ ही इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। नमक को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो मैदे से भी बना सकते हैं या फिर आटा और मैदा मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो अब इसे गूंद लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका सॉफ्ट डो रेडी कर लेना है। सॉफ्ट डो इसलिए रेडी करना है ताकि इसमें जब स्टफिंग भरे, बेलते वक्त स्टफिंग बाहर ना निकले, इस वजह से सॉफ्ट करे। यदि कड़क आटा गूंदते हैं ना, तो बेलते वक्त निकलने का डर रहता है स्टफिंग। तो सॉफ्ट डो लगाकर इसे कुछ देर के लिए ढककर छोड़ देंगे और तब तक इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। तो इसे कवर करके छोड़ देती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ आलू मटर और गोभी मिक्स करके पराठा। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। तो गैस में चढ़ाई हूँ कुकर और आलू और मटर को पहले बॉईल कर लेना है। तो दोनों चीज़ों को डालने के बाद इसमें नमक भी ऐड कर देंगे, साथ ही इसमें हाफ कप पानी डालकर कुकर का ढक्कन लगाकर उसमें सीटी बंद कर देना है। और हाई फ्लेम में मैं 2 सीटी आने तक इसे बॉईल की हूँ। गैस का फ्लेम कर दी हूँ बंद। अब गोभी को ग्रेट कर लूंगी। तो ये छोटे वाले से नहीं, इस बड़े वाले से ग्रेट कर लेना है सारे गोभी को। कुकर का ढक्कन तब तक नहीं हटाना है जब तक उसमें प्रेशर है, प्रेशर निकल जाए उसके बाद ही ढक्कन खोलना है। तीनों चीजों को मिक्स करके जब पराठे में स्टफ करते हैं ना, तो तीनों को स्वाद एक ही पराठा में मिल जाता है। घर वाले भी खुश, हम भी खुश, बनाने में मेहनत कम लगती है। लीजिए, सारा गोभी कद्दूकस करके रख ली हूँ। अब कुकर की तरफ बढ़ती हूँ तो सारा प्रेशर निकल चुका है, कुकर का ढक्कन हटा देती हूँ। आलू और मटर अच्छे से बॉईल हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो सारे आलू को सेपरेट कर लेना है मटर से। आलू के बाद मटर को भी पानी से अलग कर देंगे। आलू ठंडा हो जाने के बाद इसका छिलका निकाल देना है। सारे आलू को छीलने के बाद गैस में चढ़ाना है कढ़ाई और उसमें डालना है सरसों का तेल 2 चम्मच। तेल के गर्म होते ही इसमें डालूंगी 1 चम्मच साबुत जीरा। जीरा के लाल होते ही इसमें मैं डाल रही हूँ कटी हुई लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। अदरक को ग्रेट कर ली हूँ और हरी मिर्च को भी बारीक चॉप कर ली हूँ। और तीनों चीजों को अच्छी तरह से भून लेना है। गैस का फ्लेम मीडियम में रखकर लगभग 1 मिनट के करीब मैं इसे भूनी हूँ। अब इसमें बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल रही हूँ। तो यहाँ एक बड़े साइज के प्याज को बारीक चॉप कर ली हूँ, उसे ऐड कर रही हूँ। लहसुन अदरक जो मैं ऐड की हूँ उसकी क्वांटिटी 1-1 चम्मच के करीब थी। और इसमें जो प्याज मैं डाली हूँ बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए उतना ही भूनना है। तो बीच बीच में चलाते हुए मीडियम फ्लेम में रख कर इसे भून ली हूँ। प्याज की भुनाई करने में मुझे 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगा है। तो ये भून चुकी हूँ। तो अब इसमें मैं सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ही जीरा पाउडर और साथ ही यहाँ मैं लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। सूखे मसाले ऐड करने के बाद मसाले जलने का डर रहता है, तो इस टाइम पे गैस का फ्लेम कर देना है लो। और लो फ्लेम में 1 मिनट के लगभग फिर से इसकी भुनाई करेंगे। तो लीजिए, मसाले की भुनाई हो चुकी है। तो इस टाइम पे डाल दूंगी ये ग्रेट किया हुआ गोभी। गोभी को मिक्स कर लेना है मसालों के साथ। इसे सॉफ्ट होने तक पकाना है, तो बीच बीच में चलाते हुए इसे पका लेंगे। गोभी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, तो इस टाइम पे डाल दूंगी ये बॉयल पोटैटो और इसे मैश कर लेना है। आप चाहे तो मटर को भी इसी टाइम पे डालकर आलू की तरह मैश कर सकते हैं,
लेकिन मैं मटर को मैश नहीं रखना चाहती हूँ, उसे खड़े खड़े इसी तरह रखना चाहती हूँ। वो रोटी में अंदर स्टफिंग में देखने में मुझे अच्छा लगता है। आलू के मैश होते ही इसमें डाल दे रही हूँ कटी हुई हरे धनिये के पत्ते। इसका स्वाद ना पराठे में अच्छा लगता है। साथ ही इसी टाइम पे बॉयल मटर, नमक स्वाद अनुसार और गरम मसाला पाउडर हाफ चम्मच डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कुछ देर के लिए भूनना है और ये जो जबरदस्त स्टफिंग रेडी हुई है ना, इसका पराठा जो बनेगा ना बहुत ही टेस्टी लगेगा। यदि कहीं जर्नी के लिए जा रहे हैं तो इसका पराठा बनाकर ले जाएं, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ किसी भी सब्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। लंच बॉक्स के लिए यदि पराठा बनाना चाहते हैं तो रात में ही ये तैयारी कर लीजिए, सुबह में फटाफट से इसके पराठा बना के दे दें। लीजिए, ये स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। तो अब इसका पराठा बनाना शुरू करती हूँ। पराठा बनाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है तो स्टार्ट करती हूँ। तो इस गूंदे हुए आटे में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे इस तरह लोई का शेप दे देंगे, यानी एक पेड़ा बना लेंगे। जिस भी साइज का पराठा चाहिए उतना पोर्शन ले सकते हैं और इस तरह अंगूठे से प्रेस करते हुए इसे कटोरी का शेप दे देना है। अब इसमें थोड़ा सा पोर्शन इस स्टफिंग का भरेंगे और स्टफ कर लेंगे। चारों तरफ से राउंड घुमाते हुए इसे इस तरह से सील कर देना है ताकि बेलते वक्त निकले नहीं। स्टफ करने के बाद इसे सूखे आटे में डीप करेंगे और उसके बाद इसे बेलना शुरू करेंगे। बस हल्के हाथों से चारों तरफ बेलना है। मैं स्टफिंग इस तरह कटोरी का शेप देकर करती हूँ। आपको जिस तरह सुविधा हो उस तरह से स्टफिंग भर सकते हैं आटा में। और बेलने के बाद इसे गर्म तवे में डाल देना है। तवे को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दी थी। एक साइड सिक जाने के बाद इसे पलट लेंगे। अब इसके ऊपर घी, तेल या फिर सरसों का तेल, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं पराठे को सेकने के लिए, उसका इस्तेमाल करेंगे और दोनों साइड से अच्छे से इसे सेक लेना है। पराठे को तवे में डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम में रखेंगे और दोनों साइड से इस तरह सेकने के बाद इसे तवे से निकाल लेना है। सेम प्रोसेस से सारे पराठे को इसी तरह सेक लेना है। एक तरफ सिक जाने के बाद पराठे को पलटने के बाद ही ऊपर से तेल, घी, बटर इस्तेमाल करें। मैं घी में बना रही हूँ तो घी डालने के बाद अच्छे से फैला लें पराठे के ऊपर और उसके बाद सेक लें। एक तरफ सिक जाने के बाद दूसरे तरफ भी यदि घी कम लग रहा हो तो डालें और दोनों तरफ अच्छे से सेकने के बाद पराठे को तवे से निकाल लें। दोनों तरफ से अलट पलट कर अच्छी क्रिस्पी होने तक सेक ली हूँ। और लीजिए, ये गर्मा गर्म पराठा बिल्कुल रेडी है। मैं पराठे को खोल कर दिखा रही हूँ, स्टफिंग आप देख सकते हैं। मटर जो है बिल्कुल दानेदार दिख रहा है, तो जिसे मटर पराठा खाना था वो भी खुश हो जाएंगे कि हाँ, ये मटर पराठा बना है। और इसे सर्व की हूँ मैं दही और इमली की चटनी के साथ। ये स्टफ पराठा की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।